वेलकम बैक गाइस। तो अब हम लोग होटल से जाएंगे आज गुप्त वृंदावन। रेडी हो चुके हैं, बस निकलने वाले हैं। तो चलिए गुप्त वृंदावन में जाके आपसे मैं मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, पुरी के थोड़ा आउटर साइड में है ये आपका है श्री श्री ओमकेश्वर टेम्पल। यहाँ शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है ये। अभी हम लोग शिव जी के मंदिर में अंदर चलेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पर शिव महाराज जी बैठे हैं। बहुत ही अच्छा लोकेशन है ये, आपको मिलेगा भुवनेश्वर और पुरी के हाईवे जो है वहाँ पर आपको ये मंदिर मिलेगा। इसके ऑपोजिट में आपको मिलेगा गुप्त वृंदावन जो कि ऑपोजिट रास्ते से जाता है। अभी हम लोग चले मंदिर के दर्शन करते हैं। नरसिंह भगवान जी है, यहाँ माँ लक्ष्मी आपको मिलेंगी। काफी बड़ा मंदिर है आप देख पा रहे हैं, और यहाँ के सारे मंदिर ही बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो ये टेंपल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है भुवनेश्वर को, उड़ीसा को। बहुत ही प्यारा, ये देखिए रामायण को पूरा देखने लायक है। बहुत बढ़िया बनाया है ये आर्ट वर्क, बहुत बढ़िया। माता रानी है देखिए, ये नागराज है। जय नागराज देवता की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये देखिए यहाँ पर ये कुआ भी बना हुआ है यहाँ पर, और ये देखिए मंदिर का कितना सुंदर बना हुआ मंदिर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा मंदिर बना हुआ है। देखिए इसमें यहाँ पर भोग भी लगता है, खिलाया भी जाता है, आप इतने बर्तन देख पा रहे हैं यहाँ पर, जाहिर सी बात है कितना बढ़िया। इधर में आइए, ये है ये हमारे जगन्नाथ जी का मंदिर। देखिए बलराम है, जगन्नाथ है और सुभद्रा है। ये संतोषी माता का मंदिर है। मेरी वाइफ की बारी है, वाइफ मेरे बच्चों की बारी है। क्या बात है, क्या बात है, टानो, अरे और जोर से, जोर से, जोर से, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये राधा किशन बहुत बढ़िया मंदिर, बहुत ही बढ़िया सजाया हुआ है, देखिए मंदिर को। हम आ गए हैं हनुमान जी के मंदिर पे, हमारे बजरंग बली की जय, बजरंग बली। ये देखिए ये झांकी है, और जो मैंने बर्तन आपको दिखाया है वो यहीं पर है कि यहीं पर बैठा के खाना को खिलाया जाता है। तो वो की ये जगह बोरी भोग की दी हुई है, काफी अच्छा है, देखिए काफी बड़ा और काफी अच्छा मंदिर है। चलिए चलते हैं दूसरे लोकेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए मेरे वीडियोस को और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए मेरे न्यू वीडियोस की। वेलकम बैक। और गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं, देख पा रहे हैं आप, सबसे ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ पुरी इज श्री गोवीरा आश्रम स्पिरिचुअल चैरिटेबल। ये है गुप्त वृंदावन, अंदर में आपको पूरा कृष्ण जी की लीला मिलेगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। ये है एंट्री, और बहुत ही प्यारी एंट्री है। यहाँ पर जो टाइमिंग है आप देख पा रहे हैं, सुबह 7 से दोपहर के 12:30 बजे तक, उसके बाद दोपहर के 3 से शाम के 5। देखिए यहाँ स्टार्टिंग करते हैं गणेश भगवान जी से, और यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं वृंदावन के अंदर में। 10 रुपए की एंट्री लगेगी आपको अंदर घुसने के लिए यहाँ पर, और ये है फर्स्ट एंट्री हमारे। देखिए तो आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया बना हुआ ही है पूरा मंदिर जो है। हम लोग पहले यहाँ जाएंगे और आपको अंदर में दिखाते हैं। ये वन बिहारी राधा कृष्ण जी हुए, ये देखिए ये भी बना हुआ है, ये मीरा है जी हाँ। ये श्री रामेश्वर है, ये एंट्री कर रहे हैं अभी हम लोग अंदर में। ये सरस्वती माँ, राधा रानी पद सेवा, ये राधा रानी पद सेवा है, ये देखिए शेर हिरण सब आया। ये हमारे प्रभु चैतन्य देव, और भी जगह घुमाता हूँ। बहुत ही बड़ा बनाया है एक्चुअली ये, और 10 रुपया कुछ भी नहीं है एक्चुअली, बहुत ही बड़ा बनाया है, बहुत ही बड़ा। देखिए ये है बजरंग बली, क्या प्यारे लग रहे हैं, कितने पूरा मंदिर है।
ये देखिए हाथी बने हुए, पूरी कहानी बनी हुई है। ये देखिए मयूर कितना प्यारा से बना हुआ है पूरा। मैं आपको ये एक डेडिकेटेड पूरा वीडियो बना दे रहा हूँ आप लोग सभी के लिए, ताकि आप इसमें पूरा गुप्त वृंदावन जो पूरी में है वो आप घूम पाए और आप देख पाए। बहुत ही प्यारा बना है, देखिए मैं पूरा वीडियो बना दे रहा हूँ आप लोगों के। अब ये देखिए इधर में बना हुआ है गणेश जी, बैठने की जगह बनी हुई है यहाँ पर। ये देखिए शनिचर महाराज जी का मंदिर है, शनिदेव महाराज जी का यहाँ पर लिखा हुआ है शनिचर जीव। यहाँ पर कान्हा जी जब बैठे हुए हैं सबको खा रहे हैं, एक संग मिल के बात कर रहे हैं, वो दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम लोग इस साइड जा रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या बनाया है। वृंदावन का पूरा जो है हिस्ट्री पूरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हमारे महाराज जी यहाँ बैठे हैं, ये देखिए सारे महागुरु जी यहाँ बैठे हैं। ये देखिए गोवर्धन पहाड़, ये हमारे महादेव, देखिए ये गौतम बुद्ध है। गोपियों के संग जा रहे हैं कृष्ण और राधा जी, अभी भी बन रहा है थोड़ा बहुत। पंचमुखी हनुमान जी यहाँ पर हैं। हम लोग चल रहे हैं इस साइड में, बहुत ही काफी बड़ा है, काफी बड़ा मंदिर है और आपको हर एक चीज के दर्शन में आपको इस वीडियो में कराऊंगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास इसी तरह की अच्छी अच्छी ब्लॉग्स और वीडियोस मिलते रहें आपको मेरे चैनल पे। चलिए आपको चलते हैं चैतन्य देव जी की बहुत बड़ी मूर्ति की तरफ। ये देखिए कितनी बड़ी विशाल मूर्ति भाई साहब, वेरी नाइस, जिसने भी बनाया है बहुत ही खूबसूरत बनाया है। मछलियां मिलेंगी, बहुत सारी मछलियां। ये देखिए यहाँ पर भी एक और बड़ी फिश है एक, ये देखिए ये भी चैतन्य देव के इधर में ही बना हुआ है, उनके बारे में ही है पूरा, महाप्रभु के बारे में, पूरा महाप्रभु के बारे में बनाया गया है यहाँ पर। और आप इसके नीचे भी देख पा रहे होंगे उनके ही स्टैचू के नीचे में, यहाँ पर भी सारे महाप्रभु के बारे में दिया गया है। मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी चीज मिस आउट नहीं मिलेगी गुप्त वृंदावन के बारे में। आप इस वीडियो को जब देखेंगे आप पूरा गुप्त वृंदावन घूम चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से। यह भी एक मंदिर है यहाँ पर। तो ये था हमारा गुप्त वृंदावन, अब हम चलेंगे यहाँ से बाहर। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।